आनंद विहार रीवा आनंद विहार ट्रेन LHB कोच के साथ रीवा से आनंद विहार के लिए रवाना। सांसद जनार्दन मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर किया ट्रेन को रवाना। रीवा से आनंद विहार के जाने वाली ट्रेन 12427 12428 अत्याधुनिक LHB कोच से सुसज्जित कर दी गई है। हम आपको बता दें, इस तरह के डब्बों में यात्रियों की सुविधाओं का खास तौर से ख्याल रखा जाता है। इस तरह के डब्बे बनाए गए हैं जिसमें यात्रियों को ट्रेन के अंदर शोर कम सुनाई दे। कोच का आकार भी बड़ा रखा गया है। LHB डब्बों को इस तरह डिजाइन किया गया है जिससे ट्रेन की स्पीड बढ़ाई जा सके। इस तरह के डब्बों की साफ सफाई प्लेटफॉर्म में ही हो जाती है। दुर्भाग्यवश अगर ट्रेन का एक्सीडेंट होता है तो ये डब्बे एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ेंगे जिससे जनहानि कम होगी। स्लीपर और AC कोच में बर्थ बढ़ जाती है। इस तरह के डब्बों की सबसे खास बातों में से एक है, स्टेशन में खड़े रहने के दौरान पानी का सिस्टम लॉक हो जाएगा जिसकी वजह से प्लेटफॉर्म गंदा नहीं होगा। ऑटोमेटिक सिस्टम डब्बे की खराबी का पता आसानी से लगा लेता है। हम आपको बता दें, 22 डब्बों के इस ट्रेन में AC कोच की संख्या 3 की जगह 4 व सामान्य कोच की संख्या 5 की जगह 6 हो गई है। वहीं स्लीपर कोच 11 की जगह 10 ही रह गए हैं। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने रविवार को हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। इसमें कोच में सीटिंग कैपेसिटी कम, जैसे स्लीपर में 72 की जगह 80 और जनरल में भी 10 सीट ज़्यादा है। इसके आप स्टेनलेस स्टील का हल्का कोच है जो यात्रियों को कंफर्टेबल है, पूरा वेस्टिब्यूल है जनरल से लेके। ये जो हमारे इस रीवा आनंद विहार में पुराने डिजाइन के कोच लगे हुए थे, तो पुराने डिजाइन के डिब्बे थे, अभी नए डिजाइन के डिब्बे, लंबाई जिनकी अधिक है, सीटें अधिक हैं, ये सारा व्यवस्था की गई है। तो अब जो यात्रियों को परेशानी होती थी इस ट्रेन में, वो सारी परेशानियां लगभग दूर हैं और आधुनिक से आधुनिक तकनीक के डिब्बे यहाँ पर इस कोच इस यात्री गाड़ी में लगाए गए हैं। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी, माननीय रेल मंत्री जी और रेलवे बोर्ड के सभी अधिकारियों कर्मचारियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आशा है कि आगे और भी रीवा में ट्रेनें आएँगी, इस रीवा रेलवे स्टेशन का विकास होगा, अनवरत विकास होता रहेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता।